हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर स्पीड। आज का यह वीडियो हिंदी साहित्य पर आधारित है। इसमें आप देखेंगे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, कबीर दास किस काव्य धारा के कवि थे? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी। इसका राइट आंसर है ज्ञान मार्गी। कबीर दास जो थे ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आदिकाल को, रीति काल को, भक्ति काल को, भारतेंद्र युग को। वीर गाथा काल जो है इसको आदिकाल को कहा जाता है। पद्मावत का रचयिता किसे माना जाता है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट विद्यापति, मीर खुसरो, चंद्रबरदाई, हेमचंद। इसका सही आंसर है विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत भारती के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, भारतेंदु हरिश्चंद, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती जो रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की है। रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? ऑप्शन फर्स्ट है छायावाद, ऑप्शन सेकंड प्रगतिवाद, ऑप्शन थर्ड प्रयोगवाद, ऑप्शन फोर्थ है नई कविता। तो इसका सही आंसर है छायावाद। अनामिका काव्य के रचयिता का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादक किसे माना जाता है? वो कौन से रचनाकार हैं जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन फर्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? प्रेमचंद, रामवृक्ष वेणीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, हरीश्वरनाथ रेणु। इसका राइट आंसर है रामवृक्ष वेणीपुरी। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, फणीश्वरनाथ रेणु। इसका सही आंसर है प्रेमचंद। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। वर्ष 2008 ईस्वी किस की जन्म शताब्दी है? बताना है किस कवि की जन्म शताब्दी वर्ष 2008 कहलाती है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत। इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, तुलसीदास। तो भारतीय आत्मा जो है माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? आरसी प्रसाद सिंह, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयदेव। इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहा जाता है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत,
जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? ऑप्शन पहला है मेरा महाभारत, महाभाष्य, अष्टाध्यायी, रामायण। तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय थे। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी। तो इसका सही उत्तर होगा गारसा दत्तासी। कुटज निबंध के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया था? गोपाल दास नीरज ने, हुल्लड़ मुरादाबादी, दुष्यंत कुमार, हरिवंश राय बच्चन। इसका सही आंसर है दुष्यंत कुमार। नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे यशपाल, कमलेश्वर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका सही आंसर है कमलेश्वर। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, श्याम सुंदर दास। इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद। ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है वृंदावन लाल वर्मा। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद, बाल कृष्ण भट्ट, प्रेम घन, राधा कृष्ण दास। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं दूंगा आपको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।